जरूरी होता है, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। सो जैसे कि सबके लाइफ में दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही मेरे लाइफ में भी है कुछ लोग जो मेरे लिए थोड़े मैटर करते हैं। तो आज फ्रेंडशिप डे है, तो मैंने तन्वी के लिए कुछ तो सरप्राइज प्लान किया। अब मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ सरप्राइजेज में, मतलब मुझे नहीं आता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो मैंने किया वो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा थोड़ा भी बहुत जो मुझे आता था मैंने तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लिया है। जैसे कि यहाँ पे मैंने थोड़े बलून्स डाल दिए और ये प्यारा सा मैंने हैप्पी फ्रेंडशिप डे लिखा हुआ है। आई होप उसे अच्छा लगे। और उसके लिए कुछ सरप्राइजेस है यहाँ पे, क्योंकि हम दोनों को ही पानी पूरी बहुत पसंद है, तो मैंने उसके लिए यहाँ पे पानी पूरी भी रखी है और यहाँ पे एक प्यारा सा केक भी जो हम भी बहुत जल्द खोलेंगे। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो बचपन में भी हम बहुत चीजें करते थे, बचपन में तो एक्चुअली मार्कर में भी हाथ में पूरा भर देते थे फ्रेंडशिप डे के दिन। पर आज मैं लाई हूँ ये फ्रेंडशिप बैंड्स जो बहुत ही ज्यादा क्यूट, ये तो कुछ अलग ही तरह के फ्रेंडशिप। हाँ यस, वाह सो प्रिटी यार। चलो बात क्या बात है, सब है चांद सितारे। चांद सितारे लेके आई हो तुम मेरे लिए? चांद सितारे बोला खुशबू करो क्या? नहीं ठीक है यस। ये लगता कैसे? ये ठीक है यहाँ पे? यस ये सेम। तो जैसे आंचल ने इतना प्यारा सरप्राइज दिया मुझे, मुझे बहुत अच्छा लगा और इतना प्यारा इतना क्यूट सा ये फ्रेंडशिप बैंड दिया इसने, तो मैं भी सोच रही हूँ कि क्यों ना आंचल के लिए भी कुछ दिया जाए। आगे बंद करो और अपना मुंह मिटाने लो। ये बड़ी शानी अभी पता है क्या करेगी, अभी ये मुझसे ले लेगी और खुद खाएगी, बिकॉज़ मैं चॉकलेट्स नहीं खाती हूं। फ्रेंडशिप डे के दिन खाने वाले को जो पसंद है वो देते हैं। ये था सेल्फिश। हां सेल्फिश, यू गाइस सेल्फ ऑब्सेशन का लेवल ही कुछ और है बाबा। बड़ी शानी पर चलो कोई बात नहीं, हम शेयर करेंगे। को शेयर इसके मैं प्रॉमिस करूंगी कि तुम चाहे मैं तुम्हें हंसाती रहूंगी और मैं तुम्हें मस्ती कराती रहूंगी और मैं तुम्हें छोले और राजमा भी खिलाऊंगी एक दिन, जो ये बिल्कुल भी नहीं खाती है। इसको पता नहीं कि छोले और राजमा नहीं पसंद और बीक पंजाबी मुझे बहुत पसंद है और मैं लेके आती हूँ, तो मैं बड़ा शौक है कि इसको गाय पसंद नहीं है, वो टेस्ट मुझे मतलब बिकॉज मैं बचपन से नहीं खाया मेरे ज्यादा, तो मुझे वो इतना ज्यादा। हाँ एंड आई प्रॉमिस कि हमेशा लाइक अ बिग सिस्टर इसको प्रोटेक्ट करूंगी। और ले यस थैंक यू। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू एवरीवन। एंड भाभी के बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, हम सब जिए हजारों साल। ओके फ्रेंडशिप की बात करें तो मेमोरीज तो आप दोनों की बहुत सारी रहेगी, तो कुछ मेमोरीज अगर बताने चाहे क्या रहेगी? बहुत मेमोरीज फ्रेंडशिप की। मेरे ना स्कूल टाइम में मुझे बड़ा मजा आता था फ्रेंडशिप से, बैंड्स लेके जाना सबको देना और जो जिसको ना दो वो रुक जाएगा, तो बड़ा मजा आता था उसको सिलेक्ट करना बैंड्स को एक दिन पहले। तो वो मेमोरीज है मेरी। आज आपकी क्या मेमोरीज रही है फ्रेंडशिप डे की?
हमारी फ्रेंडशिप डे एक्चुअली हर एक फेस्टिवल उस दिन ही स्टार्ट होता है, एक हफ्ते पहले से हम किसको बैंड्स बांधेंगे, हम क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, पूरी प्लानिंग एक हफ्ते पहले से शुरू हो जाती थी. बहुत मजे करते थे, ऐसे मजे, सरप्राइजेस, बहुत मजा आता था. अच्छा कितने लड़कों ने कितने फ्रेंडशिप डे पे ना ऐसे आके बैंड दिए, बिकॉज वो एक अपॉर्चुनिटी होती है मोस्टली लड़कों के लिए कि आके दोस्ती वाला होता है उनका फंडा. आप दोनों के साथ ऐसे हुआ है कभी कि कोई लड़का आया है कॉलेज में या स्कूल में फ्रेंडशिप करने के लिए फ्रेंडशिप डे पर? कॉलेज में तो नहीं आया, हमारी स्कूल की लड़की इतनी चालाक होती थी जो उन्हें आके फ्रेंडशिप बैंड बांधता था रक्षाबंधन के लिए राखी बांध देती थी वो, क्योंकि एक मंथ में आता है ना, एक ही मंथ में आता है ना, बड़े पास पास में वो जाके राखी बांध देगा, हाय बेचारे लड़के. ओके अपने स्कूल एंड कॉलेजेस में देखे कि वो जो नाम लिखते हैं टी-शर्ट्स पे पापा से, हाँ, तो वो कितना किया था हमने और कितना इमोशनल हुआ. हां वो हमने फेयरवेल पे किया. जनरली मुझे लगा कि मैं स्कूल को मिस नहीं करूंगी, लेकिन फेयरवेल का जब हमारा लास्ट सॉन्ग चल रहा था और हम वो सब गाने हो रहे थे, हम टॉर्च से ऐसे कर रहे थे, तभी जनरली मेरे मतलब आंखें भर आई थी, बिकॉज अभी मैं सोचती हूँ कि मैं कितना मिस कर रही हूँ मेरे स्कूल को, बिकॉज हम 10 साल वहाँ पे थे, मैं तो बहुत ज्यादा ही मिस कर रही हूँ. फ्रेंडशिप डे की अगर बात करें तो कौन सा ऐसा सॉन्ग रहेगा जो आपको बहुत करीब है आपके, या आप डेडिकेट करना चाहेंगे तन्मय मां तन्मय को आपको आज फ्रेंडशिप डे का सॉन्ग? दोस्ती बड़ी हंसी है ये ना, हाँ वो तो अच्छा है ही. और फिर तो और मैं ये कौन सा वो अदिति वाला गाना, अदिति हंसते हंसते हाँ, ये हमेशा हंसती रहे तो हाँ. कभी कभी अदिति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी अदिति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, हंसते 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 ऐसा कुछ है ना, क्योंकि इतना गंदा है ये दोनों का लिरिक्स याद नहीं है, बट यहाँ पर दिल से गाया, दिल से. तुम बताओ यही वाला गाना, ये प्यार है, मुझे बहुत पसंद है. लास्टली फ्रेंडशिप डे है तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सभी जो दोस्त हैं जो और स्पेशली जो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं किसी फ्रेंडशिप का दोस्त बनाने के लिए? तो ये तो बड़ा अच्छा मौका है अगर आपको किसी के साथ दोस्ती करनी है, मतलब ये बहुत क्रिश बात है, बट फिर भी जिसको भी अगर किसी के साथ दोस्ती करनी तो एक फ्रेंडशिप बैंड लेके जाओ, कैन वी बी फ्रेंड्स, रक्षाबंधन पर राखी बांधने तो चलेगा. हमारे पास सॉल्यूशंस भी है प्रॉब्लम्स. हाँ